Yep, now. So this is the front page. Whenever we create a new React project, we always face this kind of thing. So हम यहाँ से कुछ extra चीजें हमने last time भी delete की थी जो हमें नहीं चाहिए. So हम अब भी उनको delete कर देते हैं ताकि हमारा folder structure बिल्कुल neat and clean हो जाए और हमें इन चीजों के साथ काम नहीं करना, वो यहाँ से गायब हो जाए. So let's do this one by one. Index.js को रहने देना है हमने और index.css को भी रहने देना है हमने and then app.css को delete कर देना है हमने. I mean we only need these three files inside the source folder, app.js, index.css और index.js, and that with that thing pretty much done. अब हम अगर इसके टर्मिनल में देखेंगे तो हमें कुछ एरर देगी क्योंकि जो फाइलें हमने डिलीट की हैं वो कहीं ना कहीं रेफर हुई भी हैं. आप यू आर सेफ टू एक्चुअली टॉक अबाउट दिस. आई मीन यहाँ से रीड करके उनको डिलीट कर देंगे. वो कह रहा है कि सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप डॉट जे एस की लाइन नंबर 5 पे एरर है. सो हम सोर्स में ऐप डॉट जे एस की लाइन नंबर 5 पे जाते हैं और उसमें एरर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ. वो कह रहा है जी कि कॉन्ट रिजॉल्व ऐप डॉट सी एस एस दिस, यानी ऐप डॉट सी एस एस का मतलब ये वाली ऐप डॉट सी एस एस वो कह रहा है मुझे नहीं मिल रही क्योंकि हमने डिलीट कर दी है. सो इसको यहाँ से भी डिलीट कर दें. एक एरर हमारे पास कम आ गया होगा. अब ये कह रहा है जी कि कॉन्ट रिजॉल्व लोगो डॉट एस वी जी, कह रहा है जी ऐप डॉट जे एस की लाइन नंबर 4 में. तो लोगो डॉट एस वी जी लाइन नंबर 4 का मतलब ये है कि ये रिटर्न स्टेटमेंट में एरर देता है. अब लाइन नंबर 4 में इटसेल्फ लोगो रेफर नहीं हुआ लेकिन लाइन नंबर 4 का मतलब ये है कि ये जितना कुछ रिटर्न हो रहा है सारा लाइन नंबर 4 ही में आ रहा है बिकॉज इट रेफर्स टू द रिटर्न स्टेट. तो हम यहाँ पे ये जो इमेज है चूंकि इसके अंदर लोगो यूज हो रहा है इसको भी डिलीट करेंगे और इसके ऊपर ये हमने लोगो डॉट एस वी जी डिलीट कर दिया तो हम इसको भी यहाँ से कट ऑफ करेंगे. सो विद दैट थिंग डन नाउ अब हम यहाँ से जाएंगे वापस और मुझे कह रहा जी कि ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स ये लाइन नंबर 8 है इंडेक्स जे एस की, इसको भी नहीं मिल रही लाइन नंबर 8 इंडेक्स जे एस की. ये यहाँ से आई मीन 8 लाइन नंबर पता नहीं क्यों गलत बताता है रूट रेंडर. एनीवेज सो हम यहाँ से तो भी डिलीट कर देंगे प्लस यहाँ से हम जाके इसको भी डिलीट कर देंगे. And now we have successfully compiled everything. ठीक है, webpack compiled successfully. So all the errors are gone. Discuss कर लेंगे. अभी के लिए जहाँ पे मैं last time था वहाँ तक जल्दी से पहुँचता हूँ. हमें source के अंदर एक components का folder बनाना है और उसके अंदर मैंने last time ये कहा था कि हम header फिर हम दूसरा फोल्डर बनाएंगे इसका फुटर और फिर हम इसका एक और फोल्डर बनाते हैं सोर्स के अंदर नॉट इनसाइड द कंपोनेंट के. हम इसको कहते हैं जी पेजेस और इस पेजेस के अंदर व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज होम. सो दिस इज द फोल्डर स्ट्रक्चर दैट वी आर कीप ऑन टॉकिंग अबाउट. होम के फोल्डर के अंदर I'm going to have index.jsx, not js. आपको पता है आप difference के js पे और jsx में क्या फर्क है, ठीक है? So मैं rfce functional component बनाऊंगा और इसको यहाँ से मैं लिख दूंगा what is this? That is going to be the home. That is also going to be the home. With this, let's clear this. Let's clear this part as well. Just to make everything very simple. अच्छा सर, RFC के लिए आपने कौन सी extension install की थी? ये जी extension है, मुझे खुद अक्सर भूल जाता है. ES7 plus React Redux. This kind of. Okay sir. Okay. So now, so अब हम index के लिए हमारा काम हो गया खत्म और हम सारा काम करेंगे app के अंदर और app के अंदर भी जो existing हमें structure मिला है उसको delete कर देते हैं just to have it a bare minimal setup. और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं होम. सो यहाँ पे मैं होम कंपोनेंट लिखता हूँ लेकिन इसको लिखने के लिए मुझे ऐप में इसको इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत है. सो लेट्स डू दैट एज वेल. इंपोर्ट दैट इज़ गोइंग टू बी होम फ्रॉम दिस एंड ये पेजेस के अंदर है और पेजेस के अंदर होम है. वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल बिकॉज हमने इंडेक्स इसीलिए रखा था कि हम फोल्डर का नाम लिखें तो बीच में से जो इंडेक्स की फाइल है वो ऑटोमेटिकली पिक कर ले. तो नाउ लेट्स सी ये जो होम आ रहा है अब ये होम बेसिकली आ रहा है इस कंपोनेंट की फाइल से यहाँ से, ठीक है? सो इफ आई चेंज दिस टेक्स्ट दिस इज अ होम कंपोनेंट या कंपोनेंट
दिस इज द होम कंपोनेंट, इट हैज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड द रियल टाइम चेंज। इसके बाद मैंने कहा था ये तो हो गया हमारा होम पेज, हमने कंपोनेंट में आना है और हेडर और फुटर भी बनाने हैं, सो लेट्स डू दैट एज वेल। सो इंडेक्स डॉट जे एस एक्स एंड देन आर एफ सी ई एंड देन इसको आप कर लें हेडर, जस्ट टू मेक इट मोर मीनिंगफुल हेडर, दैट्स इट। हेडर के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट क्लोज इट। हमने फुटर पे जाना है और इस पे जाके हमने इंडेक्स डॉट जे एस एक्स करना है और इसको भी हमने आर एफ सी ई करना है, एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक फ्रॉम द फुटर, दैट्स इट। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और हमने यहाँ पे क्या करना है, हेडर, दिस इज द कंपोनेंट एंड दिस इज द फुटर कंपोनेंट। सो इसको यहाँ पे कर लें, पेजेस में नहीं करना दिस टाइम, हमें कहाँ जाना है जी, इंपोर्ट, आई मीन दिस इज गोइंग टू बी हेडर, आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन header, that is from the component, this and this, and same with this, let's change the name only with header and footer, and that's pretty much like this. ye header se aa raha hai, ye home component se aa raha hai aur ye footer component se aa raha hai, that's pretty much it. so yahan tak hum last time the, aise hi Bilal. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट इज के हमें नॉर्मली करना क्या होता है, जैसे ये हेडर है, होम है और फुटर है, तो मैं जिस पेज को या जिस डिज़ाइन को लेके चलता हूँ नॉर्मली वो है हमारा AFC, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड कि हम एक रियल टाइम प्रोजेक्ट को लेके उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस तरह, बजाय इसके कि हम पहले डिटेल से वो टॉपिक डिस्कस करें और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, तो ये डबल टाइम लग जाएगा, पहले एक हफ्ता हम टॉपिक को डिस्कस करें, अगला हफ्ता हम इम्प्लीमेंट करें, तो वाई नॉट डायरेक्ट प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करें। जितने कॉन्सेप्ट होंगे मैं वो साथ साथ बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगे मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होंगे ऑब्वियसली डू स्टॉप मी एंड डू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन एक्चुअली एज यू वांट। तो मैं बेसिकली ये KFC का प्रोजेक्ट लेके चलता हूँ, इसकी रीजंस हैं, एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और दूसरा जितने कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ाना चाहता हूँ एडवांस जावास्क्रिप्ट के वो ये कवर करेगा। सो दैट्स व्हाई आई नॉर्मली टेक दिस फुल फ्लेज ई कॉमर्स वेबसाइट, आई टेक इट एज अ प्रोजेक्ट एंड देन कम्प्लीट इट बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो पहले हम इसका सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट रिएक्ट में कवर करेंगे KFC का, और फिर आपको एक्चुअली वो चीज़ें दिखेंगी भी रियल टाइम में कैसे वो रिफ्लेक्ट करती हैं एंड देन कैसे वो यूज होती हैं एक्चुअली। सो लेट्स ओपन दिस अप KFC। उसके साथ जितनी देर में ये ओपन होता है हम जरा अगली चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। हमें नॉर्मली आपको पता है HTML CSS आप लकीली दोनों को आती है, तो हम यहाँ पे रिएक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो है मॉड्यूलर डिज़ाइन। यानी मॉड्यूलर डिज़ाइन का मतलब ये है कि हम एक पूरा वेब पेज जैसे HTML में लिखते हैं, एक एंड से शुरू करते हैं और नीचे आखिरी एंड तक जाके ख़त्म कर देते हैं। रिएक्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि आप एक पूरे वेब पेज को स्प्लिट डाउन करें छोटे छोटे रीयूजेबल कंपोनेंट्स में। यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ कंप्लीट वेब पेज इन वन गो, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्प्लिट योर एप्लीकेशन इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स। और ये कंपोनेंट्स में किसको कह रहा हूँ, मैंने बिलाल को लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, जस्ट मैं आपको आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए उसको रीकैप दूंगा, बट वंस आई एम सक्सेसफुल ओपनिंग इन दिस वेबसाइट, आई डोंट नो माई स्पीड इज नेट स्पीड स्लो और दिस इज स्लो, बट तो हम पूरी वेब एप्लीकेशन को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। और ये उसी चीज़ की एक कड़ी है कि हमारा पेज है होम, और इस होम पेज में हमने बेसिकली इसको भी रेंडर किया और इसके अंदर दो कंपोनेंट्स बना लिए, फुटर का कंपोनेंट अलग और हेडर का कंपोनेंट अलग। तो हेडर की जितनी भी लॉजिक होगी वो हम हेडर के अंदर रखेंगे, फुटर को जितनी भी। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हमारी वेबसाइट में चार पेजेज हैं तो चारों पेजेज का फुटर और हेडर तो सेम ही रहेगा, तो वाई एक्चुअली डू वी नीड टू बॉदर इनफैक्ट क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर फॉर ऑल द डिफरेंट पेजेस, वाई नॉट के एक ही दफ़ा हेडर और फुटर, क्योंकि रहना जो एक ही अक्रॉस द पेज, तो हम एक ही दफ़ा हेडर और फुटर क्रिएट कर लेते हैं और मल्टीपल पेजेस पे उसी को रीयूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग हेडर एंड फुटर ईच टाइम ऑन द सिंगल सेपरेट पेज। सो दैट्स द कोर बेसिकली लॉजिक। अब ये जो मैंने हेडर फुटर यहाँ पे लिखा और इसको लेट्स डू हैव समथिंग इन प्रैक्टिकल,
जाहिर है बिल्कुल, जिस ऑर्डर में लिखेंगे वो उसी उसी ऑर्डर में, ऑर्डर डज मैटर एक्चुअली, जिस ऑर्डर में आप कंपोनेंट को लिखेंगे उसी ऑर्डर में वो कंपोनेंट अपीयर होगा, डिस्प्ले होगा। अब नॉर्मली जब हम HTML का डिजाइन लिखते हैं तो हमें CSS में स्टाइलिंग की जरूरत पड़ती है। तो जब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम हर चीज मॉड्यूलर वे में करेंगे, यानी छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो हम ये चाहते हैं, वैसे हमारी एक CSS फाइल हो सकती है कि ये जैसे index.css है ना, इसको हम कहते हैं एक ग्लोबल CSS। हम इसमें जो भी स्टाइलिंग करेंगे हमारी पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन पे ये स्टाइल इफेक्ट करेगा। ये भी अप्रोच ठीक है अगर आप सारी CSS को एक ही फाइल में लिखना चाहते हैं, बट इन रिएक्ट केस इट्स नॉट ऑलवेज गुड एक्चुअली टू राइट एवरीथिंग इन वन सिंगल प्लेस, बिकॉज हमने चीज़ों को अगर रीयूजेबल बनाना है तो कल कल ये ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो हेडर कंपोनेंट में लिखा है, मेरे साथ वाला साथी डेवलपर अगर वही कोड लिखेगा तो बजाय उसको दोबारा लिखने के मैं उसे शेयर कर दूंगा, यार ये मेरा कंपोनेंट है, आप सिंपली इस कंपोनेंट को अपने प्रोजेक्ट की फाइल के अंदर प्लेस करो और इसको यूज कर लो। तो उसके उसके लिए बेहतर है कि जो हेडर में मैंने HTML लिखना है या JSX लिखना है तो इसका स्टाइल भी इसी के साथ ही लिखूं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द CSS इन वन सिंगल फाइल। जो मैंने फोल्डर बनाया, बिलाल आर यू गेटिंग, फोल्डर इसलिए बनाया था कि हेडर से रिलेटेड JSX भी इधर ही रखूंगा और हेडर से रिलेटेड CSS भी इसी फोल्डर के अंदर रखूंगा। इसी तरह फुटर से रिलेटेड JSX भी इसके अंदर रखूंगा और फुटर से रिलेटेड CSS भी इसी के अंदर रखूंगा। ये मेरी अप्रोच है और यही मैं समझता हूँ बेस्ट अप्रोच है। अदरवाइज आप यूट्यूब पे देखेंगे या कहीं और देखेंगे तो मे बी के लोग डिफरेंट अप्रोच फॉलो कर लें, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप उसको भी कैटर कर पाओगे या गेट कर पाओगे। एनीवे, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम टू गोइंग टू क्रिएट अनदर फाइल इनसाइड द सेम डायरेक्टरी वेयर आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड द JSX फाइल फॉर राइटिंग द JSX कोड। सो मैं हेडर के अंदर हेडर की अपनी CSS बनाऊंगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट मैं यहाँ पे style.css लिख रहा हूँ, तो ये हेडर का स्टाइल बन गया। इसी तरह मैं फुटर के अंदर जाऊंगा तो फुटर के अंदर भी मैं एक फाइल बनाऊंगा style.css। देर आर टन्स ऑफ वेज ऑफ राइटिंग CSS। आगे चलेंगे तो हम CSS के जो प्री प्रोसेसर है SAS, अगर आपने सुना हो वो भी पढ़ेंगे, उसको भी इंटीग्रेट करना सीखेंगे। आगे फिर हम कंपोनेंट बेस्ड या मॉड्यूल स्टाइलिंग करेंगे, वो भी एक अप्रोच है CSS करने की। तो हम डेफिनेटली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, तो हम उसको यहाँ सिंपल रखते हैं कि हमने जो जो कंपोनेंट बनाया उसमें एक JSX की फाइल और CSS की फाइल। ठीक है, लेट मी चेक इफ माय, यप दिस इज वन। अब ये मेरी एक फाइल अपना प्रोजेक्ट है, तो इसमें मैं जो कंपोनेंट बोल रहा हूँ ना, अभी बिलाल को तो मैंने समझा दिया, मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट सपोज मेरा ये एक कंपोनेंट है, ये यूं करते हैं। तो लेट्स सी कि मेरा ये कंपोनेंट है जिसमें मैंने टॉप स्ट्रिप नाम दे दूं, या आई मीन टॉप बार नाम दे दूं, या हेडर नाम दे दूं, या लोगो रैपर नाम दे दूं, कुछ भी, लेकिन ये कंपोनेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर ये एक और कंपोनेंट है जिसको मैं नेव बार नाम दे दूं, ये एक और कंपोनेंट है। बेसिकली कंपोनेंट इज नथिंग बट अ पीस और अ पार्ट ऑफ पेज। तो इसे कंपोनेंट में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मे बी अगर मैं इसे कंपोनेंट में रखूंगा तो हो सकता है होम पेज में मुझे स्लाइडर चाहिए लेकिन अंदर वाले किसी भी पेज पे स्लाइडर नहीं चाहिए। तो कंपोनेंट में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जिस पेज पे स्लाइडर चाहिए जस्ट उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करें और यूज कर लें, जिस पे नहीं चाहिए उस कंपोनेंट को छोड़ दें। तो रीयूजेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केसेस। इसी तरह ये कार्ड है, अब ये तीनों कार्ड आपको सिमिलर लग रहे हैं, तो व्हाई टू राइट थ्री डिफरेंट कार्ड्स, व्हाई नॉट राइटिंग ओनली वन एंड रिपीटिंग दैट ओवर एंड ओवर अगेन। तो जिस तरह आपने फंक्शनल अप्रोच देंगे ना, फंक्शन लिखने का क्या तरीका है, क्यों यूजफुल है इन अपना एनी प्रोग्रामिंग, कि फंक्शन रीयूज हो जाते हैं जहां भी उनको आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करें तो वो एक ही फंक्शन जो है वो मल्टीपल पर्पजेज को सर्व कर सकता है, रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कोड शॉर्ट हो जाता है, डिबगिंग आसान हो जाती है, प्रॉब्लम ट्रेस करना आसान हो जाता है। तो यही काम हम अब JSX के साथ भी करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम कॉलिंग एज कंपोनेंट। सो अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस एक पूरे को हेडर कंपोनेंट बनाऊं, इसको स्लाइडर बनाऊं या वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मैं यहां पे फोल्डर में एज इट इज नाम रख रहा हूं, हेडर, फुटर, होम पेज वगैरह वगैरह। तो अब अगर आप दोनों कंफर्टेबल हैं तो शुड आई टेक दिस डिजाइन एज माय फर्स्ट डिजाइन इन रिएक्ट, ताकि आप कुछ प्रैक्टिकल होती हुई चीज दिखें। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं ये टॉप वाली बार बनाने की कोशिश करता हूं, आई मीन लोगो एंड दिस वन, एंड दीज आर द टू थिंग्स दैट आर एक्चुअली ओवर हियर। तो लेट्स डू दैट फर्स्ट। मैं बहुत ज्यादा कॉपी नहीं करूंगा डिटो, क्योंकि जाहिर है हम CSS या HTML का कोर्स तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ बेसिकली रिएक्ट रहे हैं, लेकिन चूंकि रिएक्ट को पढ़ाने के लिए कोई चीज़ सैंपल के तौर पे सामने तो नहीं चाहिए,
एग्जैक्ट डिटो पे अगर बारीकियों में जाएंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा। अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस आती है तो आप बारीकियां खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू द हेडर। और इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में मैं सबसे पहले, आपने एचटीएमएल पढ़ा तो आपको पता है कि एक प्रिंसिपल रख लें कि हर चीज का एक पेरेंट रख लें ताकि आप उसके, तो मैं सबसे पहले जो पेरेंट रखता हूँ उसको मैं कहता हूँ जी क्लास दे देता हूँ हेडर हाइफन टॉप। तो आपको पता है कि रिएक्ट में, अगर नहीं पता तो ये भी सुन लें कि रिएक्ट में क्लास नहीं होता, सीएसएस जैसे हम सीएसएस में देते हैं ना क्लास इक्वल्स टू, तो रिएक्ट में क्लास की जगह क्लास नेम होता है। इसकी रीजन क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है और वर्ड क्लास जावास्क्रिप्ट का रिजर्व वर्ड है। तो आपको पता है प्रोग्रामिंग में ऐसे वर्ड्स जिनको पहले से प्री डिफाइंड है, जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको दोबारा आप अपने कस्टम पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखिएगा कि जहां जहां एचटीएमएल में CSS स्टाइलिंग या CSS की क्लास देने के लिए आप क्लास का वर्ड इस्तेमाल करते थे, JSX में क्लास के बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे, क्लास नेम। दैट्स द ओनली डिफरेंस, क्योंकि ये क्लास बिल्ट इन कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। गॉट इट बिलाल? ओके सर, यस सर। तो आप क्लास की जगह क्लास नेम देखेंगे हर जगह रिएक्ट पे, एंड देन मैंने आप क्लास नेम आप अपनी चॉइस का दे सकते हैं, लेकिन क्लास नेम देने का रूल भी आपको पता ही, अगर आपने CSS पढ़ी है, कि जब मल्टी वर्ड्स हों तो उनको आप हाइफन से या डैश से सेपरेट करते हैं। जरूरी नहीं है लेकिन दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। तो मैंने इसलिए दो वर्ड थे तो हेडर डैश टॉप लिखा। एनीवेज, अब मैं इसके बाद यहाँ पे जाके आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर तीन चीजें हैं, ये स्ट्रिप एक्स्ट्रा शशका में इसके अंदर दो चीजें हैं, एक लोगो है और एक राइट साइड पे ये दो पीसेज ऑफ टेक्स्ट है। सो व्हाट आई कैन डू इज, अच्छा एक और बात, आपने बूटस्ट्रैप पढ़ी? यस। बूटस्ट्रैप का आईडिया बिलाल, आपको आईडिया है बूटस्ट्रैप का? यस सर, है सर, मैंने। इसको क्विक फिनिश करने के लिए बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूंगा, बूटस्ट्रैप की हेल्प लूंगा और आपको भी आइडिया हो जाएगा बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये चीज बनानी है, पहले मैं इसको बना लूं फिर मैं बूटस्ट्रैप का सेटअप भी बताता हूं। एक साइड पे मुझे लोगो चाहिए और राइट साइड पे दो पीसेज ऑफ टेक्स्ट चाहिए। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं सबसे पहले यहां पे एक इमेज डालूंगा और इमेज के बाद सेकंड चीज में एक और डिव डालूंगा और इस डिव को क्या कहूंगा, रजिस्ट्रेशन लिंक्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक्स। तो ये रजिस्ट्रेशन लिंक्स का, ये दोनों मैंने इसके अंदर रखने हैं, लेकिन दैट्स व्हाई मैंने इनको रजिस्ट्रेशन लिंक्स का। सो लिंक्स आर सपोज्ड टू बी इन एंकर टैग, सो मैंने यहां पे एंकर टैग लिखा। ये दो चीजें हैं, एक स्टोर लोकेटर और एक साइन इन या रजिस्टर, ठीक है। सो मैं इसे कहता हूं जी स्टोर लोकेटर और इसको मैं कह देता हूं जी साइन अप स्लैश साइन इन, दैट्स इट। लाइक और अब अगर मैं इसको यहां पे आके ये लिखूं, सो दिस इज समथिंग स्टोर लोकेटर साइन अप साइन इन, ये यहां पे आ गया और लेफ्ट साइड पे इमेज नहीं है, ठीक है। सो जस्ट टू गेट एन इमेज ऑफ केएफसी, सो मैं केएफसी लोगो पीएनजी नेट से जाके डाउनलोड कर लेता हूं और यहां पे आके व्हाट आई कैन डू इज दिस लुक्स प्रीटी मच सिमिलर, ठीक है, और ये पीएनजी भी है। सो लेट मी सेव दिस इमेज to the project in which we are working, so it's going to be a react 2 to 3 this, aur ye kahan pe rakhna hai, source ke andar, jaise aapne component pages ke folder banaye hain, yahan pe ek aur folder bana le assets ke naam se, theek hai। so yahan pe jaye aur assets ke andar aap isko kar dein ji logo.png, so let's come back here, to ye aapka aa gaya assets ka folder, iske andar kya aa gaya logo.png, so come back here। अब अपने यहाँ पे इस इमेज के सोर्स में इमेज देना है। ये रिएक्ट में इमेज लगाने का तरीका ये है कि आप इमेज को भी क्या करेंगे, इंपोर्ट कोई भी नाम दे दें वेरिएबल जिसमें इमेज को स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं आई एम के बजाय मैं लोगो दे देता हूँ और फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करना है, यहाँ वो पाथ दे दें दिस और दिस। ये आपको पता ना डबल डॉट किसको डोनेट करता है, एक सिंगल डॉट होता मतलब होता है करंट फोल्डर, दो डॉट्स होते मतलब करंट से बैक वाला फोल्डर। तो मैं टू लेवल अप गया हूँ क्योंकि मैं किस फोल्डर के अंदर था इस वक्त, आई मीन हेडर के अंदर। तो मैं एक दफा डबल डॉट किया तो मैं हेडर से बाहर निकल के किधर आ गया, कंपोनेंट के फोल्डर में। दूसरी दफा डबल डॉट किया तो मैं कंपोनेंट से बाहर आकर सोर्स के फोल्डर में चला गया और सोर्स के फोल्डर के अंदर एसेट्स है और एसेट्स के अंदर लोगो डॉट पी एन जी है, दैट्स इट।
और मैंने इस वेरिएबल को कॉपी करना है और सोर्स की जगह जहां भी रिएक्ट में डायनामिक कंटेंट पुट करना है आपने, उसके लिए आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? ओके, नाउ इफ आई कम बैक हियर, तो ये इतना बड़ा सा इमेज आ गया, सो आई नीड टू अप्लाई लिटिल स्टाइलिंग ऑन दैट टू। तो स्टाइल के लिए मैं बाकी चीजें क्लोज कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, यहाँ से और यहाँ से। तो मैं इस वक्त हेडर के अंदर मौजूद हूँ, तो हेडर की स्टाइलिंग के लिए मैंने क्या लिखा है, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो मैं इस पे कुछ भी स्टाइल लिखूंगा तो यहाँ तभी अप्लाई होंगे जब इस सी एस एस को इम्पोर्ट भी करूंगा, ठीक है। सो इम्पोर्ट, यहाँ पे आप लिख दें जी स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये सी एस एस को आपने किसी वेरिएबल में सेव नहीं करना, जब फाइल लिंक करनी है तो आपने सी एस एस की डायरेक्ट इसी तरह करनी है, ठीक है। सो अब इस इमेज को मैं नाम दे देता हूँ जी क्लास नेम लोगो। फिरों की बात, आपको पता है सी एस एस एक्सेस करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ये, और मैं इसको दे देता हूँ विड्थ दैट इज गोइंग टू बी 200 पिक्सल्स जस्ट फॉर चेकिंग पर्पसेस, दैट लुक्स बेटर। और मैं इसको 200 के बजाय 150 करके देखता हूँ, दैट माइट इवन लुक बेटर, ठीक है। ओके, अब ये दोनों टॉप पे हैं, मैं क्या करता हूँ, ये जो दो नीचे शो हो रही है ना, दिस इज अ होम कंपोनेंट एंड दिस इज अ फुटर, अभी तक क्योंकि इनका यूज नहीं है, मैं सिर्फ हेडर पे काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए इनको गाइड कर देता हूँ ताकि ये हमें तंग ना करें, यहाँ जो नजर आ रही है तो हम इससे तंग हो रहे हैं। सो यहाँ पे होम और फुटर को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ क्या शो होगा, हेडर ही शो होगा, ताकि हम कंसंट्रेट कर सकें एक पार्ट पे। अब मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है, अगर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पता है तो ये बहुत सिंपल है। आप पहली चीज ये है कि दोनों आमने सामने क्यों नहीं आ रहे, ये रीजन है। तो उस रीजन का जवाब ये है कि क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है डिव, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते। तो मैं क्या करूंगा, इनको सामने आमने लाने के लिए इमेज और इस डिव, इन दोनों का पेरेंट है हेडर टॉप, तो मैं यहाँ पे हेडर टॉप यानी इनके पेरेंट को एक्सेस करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कह देता हूँ सिंपली डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स। तो ये क्या करेंगे, एटलीस्ट दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। अब हमें पता है कि हमारे डिजाइन में एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे और दूसरा एक्सट्रीम राइट पे है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम जब डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी द स्पेस बिटवीन। अगर हम यहाँ करेंगे तो ये एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ गया और एक एक्सट्रीम राइट पे आ गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, आपने ये देखा है कि ये कंटेनर के अंदर है, लेफ्ट साइड पे भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, राइट साइड पे भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, हम एक कंटेनर डिफाइन कर लेंगे ताकि हमारा जो कंटेंट है वो उस बाउंड्री में महदूद रहे। तो याद रखिए कि दो किस्म की स्टाइलिंग्स हैं हमारे पास यहाँ पे, हम एक तो हमारी कंपोनेंट की स्टाइलिंग है कि हमने स्टाइल शीट हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग बनाई हुई है, एक स्टाइल शीट ये है जो इंडेक्स की है, ये जेनेरिक है, कोई ऐसा स्टाइल जो हमने पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई करना हो तो हम कहाँ लिखेंगे, इंडेक्स में, और जो हम स्पेसिफिक कंपोनेंट में स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो कहाँ लिखेंगे, हेडर फुटर की सीएसएस पर, ठीक है। तो अब जो मैं काम करने लगा हूँ यहाँ पे एक कंटेनर बनाने लगा हूँ, सो नॉट इंडेक्स डॉट जेएसएस रादर इंडेक्स डॉट सीएसएस, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बेसिक बॉडी और उसकी वो हुई भी है स्टाइलिंग। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम टू जस्ट गो टू, यहाँ पे लिखूंगा एक कंटेनर की क्लास, और इसको मैं दे दूंगा जी विथ 1170 पिक्सल्स, ठीक। और अब मैंने वैसे 1170 फिक्स कर दी, आपकी चॉइस जहां आप जैसे कन्वीनियंट हो। तो अब मैं क्या करूंगा, इस सारी चीज को, या इनफैक्ट क्योंकि ये ग्लोबल स्टाइलिंग है, ये हर कंपोनेंट में इंप्लीमेंट होनी है, तो ऐप डॉट जी एस एस में आए तो इसको ऐप के बजाय क्या नाम दे दें, कंटेनर। अब क्या होगा, ये देखें ये कंटेनर में आ गया और सारी स्पेस किधर आ गई, लेफ्ट साइड पे आ गई, मुझे लेफ्ट पे तो नहीं चाहिए, मुझे तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर स्पेस चाहिए। तो कंटेनर की क्लास में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको कहेंगे मार्जिन 0 फोटो। मैंने इसीलिए पूछा था पहले कि HTML CSS दोनों को आती है, मैं अब इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि जाहिर है फिर टाइम हमारा उस पर लग जाएगा। अब ये देखें कि ये जो कंटेंट है ना, ये टॉप पे है, हालांकि ये बॉटम पे होना चाहिए, इसके बॉटम अलाइंड होना चाहिए लोगों के, जस्ट लाइक दिस,
जो कंटेंट है वो लोगों के बॉटम अलाइंड होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हम इस कंटेंट के लिए, अच्छा इसका इतना ही काम था कंटेनर का, बंद कर दिया और स्टाइल में आए और इसको हमने कहा लाइन आइटम्स और इसको हम कह देते हैं जी फ्लेक्स एंड, दैट्स इट। क्लियर होगी बात। अब ये थोड़ा सा डिस्टेंस भी मांगती है, तो ये हमारा JSX में आए और बेहतर है कि आप सॉरी रजिस्ट्रेशन लिंक्स के अंदर आए, इनको एक्सेस करें, क्योंकि ये दो रजिस्ट्रेशन लिंक्स हैं, एक स्टोर लोकेटर और एक साइन अप साइन इन, इन दोनों के दरमियान हमें डिस्टेंस चाहिए। सो मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक्स जो पेरेंट डिव थी उसको गेट किया और मैंने इसको कह दिया जी दैट इज गोइंग टू बी मार्जिन और मार्जिन इज गोइंग टू बी लाइक 5 pixels, 5 pixels। सो सॉरी रजिस्ट्रेशन लिंक्स के अंदर हमने इसके अंदर दो HRFs हैं, ठीक है, और हमने उनको देना है मार्जिन। इसको तो बंद कर दें। CSS में रजिस्ट्रेशन लिंक्स के अंदर एंकर टैग और एंकर टैग को हमने देना है मार्जिन, दैट इज गोइंग टू बी लाइक 8 pixels, दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। अब इन लिंक्स को हमने कुछ और स्टाइलिंग भी देनी है, क्या टेक्स्ट डेकोरेशन या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पहले कर देते हैं नन, ताकि वो अंडरलाइन ना रहे, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे देते हैं ताकि वो अपर केस हो जाए सारे, और इसको दे देते हैं फॉन्ट वेट दे देते हैं ताकि ये सारा बोल्ड हो जाए। अच्छा प्रीटी मच लाइक दिस इज व्हाट, ठीक है। और ये टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? ट्रांसफॉर्म सर आपने कर दी। ओके सॉरी DECORA, ग्रेट, ठीक हो गया। यस सर, एग्जैक्टली अंडरलाइन। अब हमने करना ये है कि इसके नीचे नेवबार बनानी है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ना एक और एक दो और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम थोड़ा सा रिएक्ट का टच भी ले लें। अभी तक हम HTML CSS कर रहे हैं, इसमें रिएक्ट का कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कंपोनेंट बनाए और उसको रेंडर किया, ठीक है। सो नाउ कम बैक टू द app.js पेज, ठीक है। अब नॉर्मली याद रखिएगा रिएक्ट का एक बहुत ही स्पेशल प्रिंसिपल है, और वो ये है कि लेट्स सी कि हमारे पास कोई डेटा है इस फंक्शन में, तो हमारे पास कोई भी डेटा हो तो हम नॉर्मली, आपको पता है कि डेटा को वेरिएबल में सेव करते हैं। डेटा को सेव करने के कितने तरीके हैं, या हम वेरिएबल में सेव करते हैं, या हम अरेज में सेव करते हैं, या हम ऑब्जेक्ट्स में सेव करते हैं, या अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, या ऑब्जेक्ट्स के अंदर अरेज है, यानी मिक्स ऑफ ऑल है। तो वैसे डेटा स्ट्रक्चर्स और भी बहुत हैं, जैसे लिंक्ड लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, डबल एंडेड क्यू हो गया, स्टैक हो गया, एंडलेस। लेकिन जो बेसिक या एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं वो वेरिएबल्स, अरेज और ऑब्जेक्ट्स, और इन तीनों का मिक्स है। तो हम सबसे पहला बेसिक जो डेटा है, डेटा स्टोर का मैकेनिज्म है कि वेरिएबल, और वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में जब हम यूज करते हैं तो हम तीन, यानी हमारे पास डेटा टाइप्स नहीं होती जैसे बाकी स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस होती है ना, कि आपने इंट लिखना है, स्ट्रिंग लिखना है, चार लिखना है, फ्लोट लिखना है डेटा टाइप्स के तौर पर। तो यहाँ डेटा टाइप्स नहीं होती लकीली, यहाँ हम सिंपली वेरिएबल के साथ तीन कीवर्ड्स लिखते हैं, या वार और फिर फॉलोड बाय वेरिएबल नेम एंड देन इक्वल टू के बाद उसको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो वो, या वार लिखते हैं, या हम लेट का कीवर्ड यूज करते हैं, या हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। तो आप पूरी जावास्क्रिप्ट में जहां भी वेरिएबल देखेंगे वहां यही तीनों कीवर्ड्स में से कोई एक देखेंगे, या आप कॉन्स्ट देखेंगे, या आप लेट देखेंगे, या आप वार देखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए अब से ऑनवर्ड कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए तीन कीवर्ड्स। तो मैं जब तक आपको बाकी को कहानी नहीं सुनाता या तीनों में डिफरेंस नहीं बताता, तब तक मैं या मैं लेट इस्तेमाल करूंगा, ठीक। अब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में इन तीनों का डिफरेंस भी हम क्लियर करेंगे, कब लेट इस्तेमाल करना है, कब वार इस्तेमाल करना है और कब कॉन्स्ट। सॉरी हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा उस पॉइंट में, लेकिन अभी मेरा टॉपिक दूसरा है ना, ठीक है। कॉन्स्ट रीअसाइनमेंट के परमिशन नहीं देता, लेट स्कोप्ड वेरिएबल है और वार ग्लोबल है। स्कोप्ड का मतलब यह है कि लेट से डिफाइन करता है वेरिएबल सिर्फ उसी जगह अवेलेबल होता है जिस स्कोप में वो एग्जिस्ट करता है, फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर, क्लास है तो क्लास के अंदर, वगैरह वगैरह, ये स्कोप्ड है और वार स्कोप्ड नहीं। एनीवेज खैर अभी जो बात बता रहा हूँ वो नहीं, मैंने सिंपली ऐप कॉम्पोनेंट में
डेटा स्टोर करना था एक वेरिएबल में, तो मैंने लेट के नाम से यानी लेट का कीवर्ड इस्तेमाल करके वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको मैंने ए नाम दिया, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं और साथ में उसको 90 वैल्यू असाइन कर दी। ये जो तरीका है ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का तरीका है, आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हो, पाइथन पढ़ी हो, सी शार्प पढ़ी हो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसमें ये काम होता है, इवन जावास्क्रिप्ट में भी यही काम होता है, रिएक्ट में ये काम नहीं होता। बिलाल कुछ बोल रहे हैं? यस सर। बोले सर मैं यही कह रहा हूँ, हाँ जी वो देखा था वो दूसरी पाइथन और दूसरी सी शार्प में। ये ऐसे ही होता है लेकिन रिएक्ट में ये नहीं होता, रिएक्ट में दिस इज नॉट अलाउड, क्यों जरा उसकी रीजन देख लेते हैं मैं। अच्छा उसकी रीजन भी देखने से पहले, अब अगर मुझे कोई भी डायनामिक वेरिएबल की वैल्यू या कोई भी डायनामिक वैल्यू, अब वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वो डायनामिक होती है, क्यों डायनामिक होती है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल का लफ्ज का मतलब ही क्या है चेंजेबल, वेरिएबल का मतलब तब्दील। तो अगर मुझे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या कंटेंट जेएसएक्स में डिस्प्ले करना है तो मैं ऐसे ही नहीं देख सकता डायरेक्ट, मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स। तो याद रखिए कि जेएसएक्स में डायनामिक कंटेंट लिखने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब आप ए लिखेंगे या कोई भी एक्सप्रेशन लिखें, एक्सप्रेशन का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए लिख दें, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करके आपको रिजल्ट शो करेंगे, यानी ये ए में क्या बराबर है 90, तो ये 90 मल्टीप्लाई में 90 करके आपको रिजल्ट शो करेगी। अब आप चाहें तो जेएसएक्स में इसे H1 के अंदर लिख दें, आप चाहें तो P में लिख दें, जहां भी लिख दें, लेकिन डायनामिक कंटेंट जहां पे एम्बेड करेंगे वहां पे। अब अगर मैं वापस आऊं तो उसने क्या लिखा है 90 मल्टीप्लाई में 90, दैट बिकम्स दिस फिगर। अब अगर मैं इसको बगैर कर्ली ब्रैकेट के लिखूंगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो व्हाट इट कम्स जैसे ये है एज इट इज आउटपुट आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई डायनामिक वैल्यू को आउटपुट करना है या किसी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक हो की बात? अब जरा इससे भी आगे चलते हैं। आप लोगों ने HTML में बहुत दफा बटन के साथ खेला होगा, बनाया भी होगा, उस पर क्लिक इवेंट भी अप्लाई किया होगा बेसिक जावास्क्रिप्ट में। मैं सपोज ये करता हूँ, या इसको क्लिक के बजाय प्लस लिख देता हूँ, मैं ये मेरे पास एक बटन आ गया, क्लिकेबल भी है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इस बटन को क्लिक करूँ ये वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, यानी 8100 है, लेट्स मेक इट लाइक 90 है, तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो 91 हो जाए, फिर क्लिक करूँ तो 92 हो जाए, यानी मैं सॉर्ट ऑफ काउंटर बनाना चाहता हूँ। तो प्लेन जावास्क्रिप्ट में क्या तरीका है कि आप एक ऑन क्लिक का, ये पता ना बेसिक इवेंट हैंडलिंग, यस बिलाल, यस सर, नहीं पता, ओके। तो ऑन क्लिक प्लेन जावास्क्रिप्ट में यहाँ में हम डबल कोट्स में कोई फंक्शन लिखते हैं, जबकि मैंने यहाँ कहा है कि कोई भी डायनामिक एक्सप्रेशन आप किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो मैंने ऑन क्लिक कह के यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया हैंडल, इस फंक्शन का मैंने नाम दे दिया। ये फंक्शन जाहिर है मैंने कॉल किया तो कहीं डिफाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है आप फंक्शन कॉल कर लें और वो कहीं डिफाइन ना हो, या तो बिल्ट इन फंक्शन होगा तो वो तो चल जाएगा, लेकिन यूजर, ये तो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है हैंडल क्लिक के नाम का। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। अब फंक्शन लिखने के जावास्क्रिप्ट में तीन चार तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है सिंपल, फंक्शन का कीवर्ड लिखें, फंक्शन का नाम लिखें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स में फंक्शन की बॉडी। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, पाइथन को छोड़ के, पाइथन ने थोड़ा सा सिंटैक्स पे काम किया है मोर आर लेस, बाकी तमाम लैंग्वेजेस में फंक्शन लिखने का तरीका सिमिलर है। फंक्शन कीवर्ड, स्पेशली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड, सी प्लस प्लस में फंक्शन भी नहीं होता, सिर्फ इंट यानी कोई डेटा टाइप और फंक्शन का नाम एंड आगे उसकी शक्ल सेम होती है। तो जावास्क्रिप्ट में एक स्टाइल तो ये है फंक्शन लिखने का, जैसे मैंने अभी फंक्शन लिखा ना, तो मैं लिखूंगा जी फंक्शन हैंडल क्लिक, जो नीचे मैंने यहाँ पे कॉल किया, एंड देन दिस एंड देन दिस एंड देन दिस, दैट इज ओके। ये फंक्शन का फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है। फंक्शन लिखने का दूसरा तरीका, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, रिमूव नहीं करता ताकि कंपेयर भी कर सकूं, जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में उसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। वो हम करते हैं जी लेट या इन सॉरी, एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं, आप सिंपली फंक्शन का कोई नाम नहीं देते, बगैर नाम के फंक्शन लिखा आपने, पैरेंथेसिस नहीं, दिस एरो बनाया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। अगर इस शक्ल का फंक्शन आपको कहीं भी देखने, ये भी फंक्शन ही है, इस शक्ल का फंक्शन कहीं भी देखने को मिले तो आप इसे कहेंगे क्या,
एरो फंक्शन या फैट एरो फंक्शन। नॉर्मली लोग एरो फंक्शन ही बोलते हैं, लेकिन बाज अवकात लोग पूरा नाम लेके बुलाते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, यार एरो फंक्शन तो हमने पढ़ा है, ये फैट एरो फंक्शन किधर से आ गया। मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ, मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा जी फैट एरो फंक्शन क्या होते हैं, मैंने कहा नहीं पता। तो कहता है एरो फंक्शन क्या होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं, कहता है तो यही फैट एरो होते हैं ना। एनीवेज, सो अब आपको पता है कि हर फंक्शन को कॉल करने के लिए उसके नाम की जरूरत होती है, तो ये जो फैट एरो फंक्शन है इसका नाम ही नहीं है तो कॉल कैसे करें। तो उसके लिए फैट एरो फंक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स। ये पूरा का पूरा फंक्शन मैंने किधर स्टोर कर दिया, हैंडल क्लिक के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और ये यहाँ पे कॉल कर दिया एज इट इज चले। बिलाल क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, अब मैं इसके अंदर लिखूंगा जाके कुछ भी, लाइक मैं इसके अंदर लिख देता हूँ जी। अच्छा, मुझे ए में अगर कोई इंक्रीमेंट करनी है वैल्यू तो क्या करूंगा? यूज स्टेट। एग्जैक्टली, ए प्लस प्लस या ए प्लस इक्वल्स टू वन या ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, ये तीनों तरीके वैलिड है। इसमें किसी को मसला हो तो बता दें, नहीं मसला तो मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ ए प्लस प्लस। अब जब मैं इस फंक्शन को यानी ऑन बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा, ये फंक्शन ट्रिगर होगा तो इधर आएगा, ये इसकी बॉडी में ए को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट। तो ए की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 90, तो अपडेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए 91। यहां पे एक प्रॉब्लम आएगा देखिएगा, और यही प्रॉब्लम आपको समझाने के लिए बेहतरीन समझ आएगा। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। जावास्क्रिप्ट में एरर चेक करने के लिए कि फंक्शन में कोई एरर तो नहीं है, आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हैं और यहां पे कंसोल पे देखते हैं, और अगर आप यहां पे देखें तो कोई एरर भी नहीं आ रहा और ये वैल्यू भी इंक्रीमेंट नहीं हो रही, विच वी आर एक्सपेक्टिंग के इंक्रीमेंट होगी। तो हल क्या, इसे डिबग करते हैं। डिबगिंग पर्पसेस के लिए जावास्क्रिप्ट में बहुत मतलब मोस्टली ये यूज होता है कंसोल लॉग, अगर आपको नहीं पता तो आप पता चल जाना चाहिए। मैं ये चेक करता हूं कि ए की वैल्यू यानी ए में क्या आ रहा है, यानी ये जो यहां पे लॉग में रिजल्ट देगा, डिबगिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो मैं अब इसे रिफ्रेश करके दोबारा इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, विच इज करेक्ट, क्योंकि ए की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 90, प्लस में प्लस पे क्लिक किया, इसने हैंडल क्लिक का फंक्शन ट्रिगर किया, फंक्शन ट्रिगर हो तो उसके अंदर ए का इंक्रीमेंट लगा और उसको उसने कंसोल कर दिया। फिर क्लिक करता हूँ 92, दैट्स ओके, फिर क्लिक करता हूँ 93, ओके, फिर यानी इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। लेकिन हेयर इज द प्रॉब्लम एंड इज द डिफरेंस बिटवीन वनीला जावास्क्रिप्ट यानी प्लेन जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। वैसे आपको अगर मैं आपसे पूछूं तुक्का लगाएं क्या मसला हो सकता है? सर यहाँ पे यूज स्टेट यूज होगी। नहीं, मैं सोल्यूशन नहीं पूछ रहा बिलाल, आपने सोल्यूशन ठीक बताया, मैं मसला पूछ रहा हूँ, क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा? सर ये सपोर्ट नहीं करता है। नहीं, जरा इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करें ना, सपोज कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपसे। अच्छा, सपोर्ट नहीं करता ये तो ठीक है, मतलब ये कोई भी कह सकता है यार ये सपोर्ट नहीं करता इसलिए काम नहीं कर रहा, ऑब्वियसली टेक्निक, ये तो बात। मसला पता है क्या? यस सर, हमने अभी आपने कहा ना फंक्शन कॉल नहीं हुआ, वो फंक्शन कॉल हुआ तो वो इंक्रीमेंट कर रहा है ना भाई, ये इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है? फंक्शन कॉल हुआ है, वो उसके अंदर गया है, उसने ए में ए प्लस किया और फिर से कंसोल किया है। प्रॉब्लम ये है, ये टेक्निकल आंसर है जो मैं अभी देने लगा बिलाल। ओके सर, जावास्क्रिप्ट की ये लिमिटेशन है कि वो यूआई को रियल टाइम पे अपडेट नहीं करता। आई रिपीट, ओके सर, अगर मुझे करना हो ना इसे अपडेट तो मैं पता है क्या करूंगा, यहाँ पे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में मैं कहूंगा इसको मैं दे देता हूँ जी, लेट सपोज आईडी इक्वल्स टू भी दे दें एबीसी, और मुझे अगर जावास्क्रिप्ट में यूआई को अपडेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उस आईडी को मैं एबीसी करूंगा, देन डॉट इनर HTML लिखूंगा या इनर टेक्स्ट लिखूंगा और फिर इस टेक्स्ट में जाके A की अपडेटेड वैल्यू डाल दूंगा। आई एम नॉट श्योर कि अभी भी ये काम करेगा या नहीं करेगा, कर रहा है। ओके सर, ये जो तरीका है ये प्लेन जावास्क्रिप्ट है, हम तो रिएक्ट पढ़ रहे हैं भाई, हम प्लेन जावास्क्रिप्ट से ऊपर हैं। तो प्रॉब्लम समझ आया बिलाल अब आपको कि जावास्क्रिप्ट यूआई को सॉरी अपना जावास्क्रिप्ट के स्टाइल में लिखे गए वेरिएबल्स यूआई को रन टाइम पे अपडेट नहीं करते, यानी वैल्यू मेमोरी में अपडेट हो रही है, ये कहां से आ रही है, ये वैल्यू मेमोरी से आ रही है, यहां जो कंसोल हो रही थी,
यस सर। लेकिन मुझे कहाँ चाहिए थी, यूआई में चाहिए थी। तो प्लेन वनीला जेएस का कॉन्सेप्ट वेरिएबल को यूज करने का यूआई को रियल टाइम पे अपडेट नहीं करता, आपको फिजिकली खुद यूआई का जो पार्ट अपडेट करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा मैनुअली, फिर जाके उसको अपडेट करना पड़ेगा। राइट सर, राइट। तो जावास्क्रिप्ट मेमोरी में अपडेट करता है, यूआई को अपडेट नहीं करता। दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेट का, जो अभी मैं डिस्कस करने लगा हूं। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज दिस वे ऑफ यूजिंग वेरिएबल्स, यानी डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स, ये तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे हम। पर इसका आपने ड्रॉबैक देख लिया, ये तो एक वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं ना, एक पूरे वेब पेज पे लिंक्डइन या फेसबुक की एग्ज्यूम करें, हजारों जगह पे आपने एक छोटे से पोर्शन को अपडेट करना होता है, तो क्या आप उतनी दफा document.getElementById सिलेक्शन करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे? दैट्स अ मेस, और पहले ही होता रहा जब रिएक्ट नहीं था, बट नाउ थैंक्स टू रिएक्ट, रिएक्ट गिव्स अस अ न्यू वे ऑफ डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। ये क्या हो रहा है, हम इसे ये कहते हैं ना वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही लाइन में हो रहा है। यहां तक क्या हो रहा है वेरिएबल डिक्लेयर, और यहां से आगे क्या हो रहा है वेरिएबल इनिशियलाइज। सो रिएक्ट गिव्स द न्यू वे ऑफ डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल्स, एंड व्हाट्स दैट न्यू वे, लेट्स कम इन टू प्ले। हमें एक बिल्ट इन फंक्शन है रिएक्ट का, जिसे हम कहते हैं जी यूज स्टेट। ये जो रिएक्ट है ना, जब हम ये इंस्टॉल करते हैं तो ऑब्वियसली क्रिएट रिएक्ट ऐप शुरू में रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं, तो ये लाइब्रेरी हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे मौजूद होती है रिएक्ट की। और जैसे हमने C++ या इनफैक्ट आपने अगर iOS की एग्जांपल पढ़ी है तो वहाँ भी आपको पता है कि बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, और C++ अगर पढ़ी है तो आपको पता है कि हमें कोई फंक्शन बिल्ट इन यूज़ करने हो तो हम पहले ऊपर क्या करते थे, इंक्लूड करते थे हेडर फाइल को। तो यहाँ ये इम्पोर्ट वाला वही कॉन्सेप्ट है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है यूज स्टेट के नाम से, कहाँ पे, रिएक्ट के अंदर। तो हम इसको यूज करेंगे किस काम के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने के लिए। सो लेट्स कम बैक हियर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी एक लिखते हैं यूज स्टेट को, कॉल करते हैं यूज स्टेट, नॉर्मल फंक्शन कॉल ऐसी होती है ना। अब हम यहाँ पे इस करली ब्रैकेट के अंदर इसमें कोई भी वैल्यू देंगे, ये वैल्यू वो देंगे जो हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, यानी अगर हम इस वेरिएबल को 90 से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या देंगे, 90। करली ब्रैकेट में अगर आपने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल रखना है तो यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग दे दें लाइक दिस, अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करना है तो आप ये दे दें, अगर ने आप इसको अरे से इनिशियलाइज करना है तो आप ये दे दें। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, 90। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वेरिएबल है, हालांकि ये तो फंक्शन है, तो यूज स्टेट एक बिल्ट इन फंक्शन है, और फंक्शन के बजाय भी हम इसे क्या कहते हैं, बिल्ट इन हुक है। हुक क्या होती है इसके बारे में भी डिटेल से आगे आएगी, मैं बताऊंगा, ठीक है। हुक इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, है फंक्शन ही। ओके सर। इट रिटर्न्स अस, यानी ये जो हमें कुछ रिटर्न करता है उसको हम किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। मैंने कहा लेट ए, तो अब जो नॉर्मली हम प्लेन वनीला जेएस में ये काम करते हैं, रिएक्ट में हम कभी ये काम नहीं करेंगे। रिएक्ट में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट। क्यों? क्योंकि यूज स्टेट को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इंटरनली ये खुद ब खुद यूआई को अपडेट करेगा रियल टाइम पे विदाउट हैविंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यानी हमें मैन्युअली जाकर उसको यूआई को अपडेट नहीं करना पड़ेगा, रिएक्ट खुद इंटरनली यूआई को अपडेट करेगा। अभी देखिए कभी, तो ये बेसिकली यूज स्टेट हमें एक चीज रिटर्न करता है, क्या, वेरिएबल। अच्छा, यूज स्टेट एक चीज रिटर्न नहीं करता बल्कि दो रिटर्न करता है, और दो को हम यू सेव करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, दो यानी मल्टीपल वैल्यू जो यू स्टेट रिटर्न करता है। एक वो वेरिएबल रिटर्न करता है जिसमें वो वैल्यू स्टोर करता है 90, और दूसरा एक सेटर फंक्शन रिटर्न करता है जिसको हम सेट ए, यानी इस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि सेट का कीवर्ड हमेशा लगाएं और साथ में वही वेरिएबल का नाम लगा दें ए, तो ए और सेट ए। अब याद रख लें कि यू स्टेट हुक जब भी आप इस्तेमाल करेंगे इट वुड रिटर्न यू टू थिंग्स, वन वेरिएबल विद इनिशियल वैल्यू दैट यू हैव स्पेसिफाइड इन दिस ब्रैकेट, एंड द सेकंड अपडेटर फंक्शन यानी सेटर फंक्शन, क्लियर। अब जब
हेलो 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 ओके सर जी ठीक है सर ओके ओके सर ओके सर।